वेलकम टू दिव्या पानवालास किचन। आज हम बनाएंगे पोहे का चटपटा नाश्ता। उसके लिए सबसे पहले आधा कप पोहे को दो बार पानी से धो लेंगे और उसे 15 मिनट के लिए सोक करने रखेंगे। अब उसे छन्नी में छान लेंगे और हल्के हाथों से दबाकर उसका पानी निकाल लेंगे। अब उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और हाथों से अच्छे से मस लेंगे। अब उसमें आधा कप बॉयल ग्रेटेड आलू डालेंगे। अब उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक और मिर्च की पेस्ट और एक चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा मिक्स करना है और सेमी सॉफ्ट आटा गूंदना है। इसके लिए मैंने 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है। अब उसमें 1 चम्मच तेल डालकर 1 मिनट के लिए मसल लेंगे। अब उसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे और उसे सूखे आटे में डिप करेंगे और एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। इस रोटी को हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, उसको सेमी थिक ही रखना है जिससे हमारा नाश्ता फूला फूला बने। अब एक ग्लास की मदद से उसे गोल शेप देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे और दूसरे आटे में मिक्स करके दूसरी पूरियां बेल लेंगे। अब ये नाश्ते को गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। उसे हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे वो अच्छे से फूल जाए। लाइट गोल्डन होने पर एक बार उसे पलटाएंगे। ऐसे ही दोनों तरफ लाइट गोल्डन होने तक उसे पकाएंगे। ये लाइट गोल्डन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। लीजिए, आपका पोहे का चटपटा नाश्ता तैयार है। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें और आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।